So, hey guys, आज मैं आप लोगों के साथ में क्विक वॉक अराउंड रिव्यू शेयर करने वाला हूँ न्यूली लॉन्च 2019 यामा FZSFI का। गाइस, इंडियन मार्केट में इस गाड़ी के दो वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं, FZFI और FZSFI। ये ABS के साथ में लॉन्च किए गए हैं। इन गाड़ी के अंदर सिंगल चैनल ABS है, रियर में डिस्क ब्रेक अवेलेबल है। तो FZS लेते हैं तो आपको एक्सशोरूम डेली जो प्राइस पे करनी पड़ेगी वो रहेगी 97,000 रुपीज, और अगर आप FZFI लेते हैं तो आपके लिए 95,000 रुपीज एक्सशोरूम डेली प्राइस जो है आपको पे करनी पड़ेगी। तो FZS के लिए आपको 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। उसके अंदर आपको क्या आता है मैं आगे रिव्यू के अंदर आपको बता दूंगा। सीट जो है काफी कुशनिंग हो गई है। जो रियर ग्रे ब्रेल है वो आपको सिंगल यूनिट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। नीचे जो है यहां पे आपको मडगार्ड देखने को मिल जाएगा, जो कि पहले हटा दिया गया था, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता था रेनी सीजन में, तो इसलिए कंपनी ने उसको वापस से दे दिया गया है। सेम मडगार्ड है जैसा कि R15 वर्जन 3 में आता है। जो साइड एग्जॉस्ट है वो देखने में काफी अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। उसके ऊपर जो है ग्रे कलर की फिनिश दी गई है। फुट पैक्स जो है सेम है, उनमें कोई चेंजेस करने की नीड भी नहीं थी। उनकी क्वालिटी ऑलरेडी काफी अच्छी थी, की क्वालिटी की कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। प्लास्टिक इसके अंदर जो यूज होता था उनकी जगह जो है अब ऑलमोस्ट जगह जो ये मैट फाइबर का यूज किया गया है मैट के अंदर, वो देखने में काफी अच्छा लगता है। गियर नॉब्स की क्वालिटी और ज्यादा अच्छी कर दी गई है। मुझे तो पता नहीं क्यों पिछले जो गियर नॉब्स हैं उनसे ये और ज्यादा अच्छे और इंप्रूव्ड लग रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है पूरा कलरफुल है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इसके फीचर्स भी आगे दिखा दूंगा, पहले LED लाइट्स देख लेते हैं इसकी जो नई आई है। ये LED हेडलैम्प हैं और नाइट में कुछ इस टाइप से आपको दिखेंगे, जो देखने में काफ़ी अच्छे और अट्रैक्टिव लगते हैं। ज़रूर से अगर इस गाड़ी को आप नाइट में लेके निकलिएगा तो इसके ये जो है अट्रैक्शन ग्रेबिंग का काम ज़रूर से करेंगे, क्योंकि इनकी हेडलाइट जो है काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन करी है। फर्स्ट टाइम मुझे जो है यामा की FZ की हेडलाइट जो है पसंद आई है। इंडिकेटर्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, इसके स्विच ऑफ कर देते हैं। साइड में से ये जो एरिया है क्रोम का, ये आपको FZS में मिलेगा। अगर आप FZ लेते हैं तो ये क्रोम सेशन आपका जो है हट जाएगा। नीचे ये जो काउल है, इंजन काउल, ये भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। अगर आप नॉर्मल FZFI लेते हैं तो उसमें आपको ये नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही ये जो गियर पे पैर रखने का जो है फुट पैक्स वगैरह है ये सेम है, उनमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। इंजन जो है स्पैक्स उनके सेम है, इंजन में भी कोई बदलाव नहीं करे हैं कंपनी ने। 149 cc का सिंगल सिलेंडर जो है एयर कूल्ड इंजन आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। जो पावर प्रोड्यूस करता है 13.2 PS की 8000 RPM पे, और टॉर्क जो इस गाड़ी के अंदर निकलता है 12.8 Nm का 6000 RPM पे। गाड़ी के अंदर वही 5-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। इस गाड़ी के अंदर ये जो ऑयल आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा भी गाड़ी नहीं है, उसमें जो चेन स्प्रे वगैरह करा था तो उस वहाँ पे ढुल गया। मैंने ऑलरेडी पूछ लिया था कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ऑफकोर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। रियर डिस्क जो इस गाड़ी के अंदर दिया गया है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट गाड़ी की जो डायमेंशन है वो मैं आपको बता दूं, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर दो हेवी लोग इस गाड़ी के ऊपर बैठ के अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो। 790 mm का जो है सीट हाइट आपको देखने को मिलता है। 137 kg का कर्व वेट है इस गाड़ी का। तो ऑलमोस्ट जो सभी चीज़ें हैं वो फेवर में है गाड़ी के। जो फ्रंट सस्पेंशन है वो काफ़ी बल्की चंकी 41 mm का फ्रंट फॉर्क है, और रियर में आपको जो है मोनोशॉक एब्जॉर्बर गाड़ी के दिए गए हैं। फ्रंट जो ये मस्कुलर टैंक दिया गया है इसको और ज़्यादा मस्कुलर कर दिया। रियर पहले वाली जो आती थी, पहला वर्जन था वर्जन 2, उसके टैंक से ये वाला वर्जन जो है थोड़ा सा और ज्यादा चंकी लगता है देखने में, और ज्यादा मस्कुलर लगता है। रियर जो लाइट है, जो इंडिकेटर्स हैं वो सेम हैं। ये अगर निकल जाते हैं तो इनको वापस से चेंज करवाना वगैरह, इसको वापस से फिट करवाना वाली प्रॉब्लम तो इस गाड़ी के अंदर है। इसका सॉल्यूशन पता नहीं कंपनियां क्यों नहीं निकालती, आप लोगों को पता है तो प्लीज नीचे कमेंट में मुझे जरूर से बताइएगा। तो अब देख लेते हैं इस गाड़ी का साउंड, सुन लेते हैं कि इस गाड़ी का साउंड कैसा है। तो इस टाइप से कुछ ये यहाँ का एरिया दिखता है, चलते हैं साउंड सुनते हैं इस गाड़ी का। तो कर लेता हूँ की को ऑन। की की प्लेसिंग जो है वो काफ़ी अच्छी जगह की गई है, मुझे इसकी जो प्लेसिंग है की की वो काफ़ी अच्छी लगती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो स्टार्टिंग होता है वो काफ़ी अच्छा है। तो ये है इस गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट, अच्छे से सुन सकते हैं। काफ़ी बेसी जो है साउंड क्रिएट करता है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे RPM मीटर आपको देखने को मिल जाता है, साथ ही कई सारे दूसरे फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्रिप मीटर जो 1 है 2 है वो दे दिया गया है, टाइम दे दिया गया है, किलोमीटर वो फ्यूल कंजप्शन रीडर जो है वो भी इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। किल स्विच आता ही है, कर लेते हैं गाड़ी को बंद। तो ये है FZ 2019 जो देखने में कुछ इस टाइप से लगती है। इसका भी जो रियर टेल लैंप है LED कर दिया गया है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये ब्राइटनेस कम करके बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा रात में ये जो है कैसा लगता है रात में।
तो सीट की कुशनिंग बढ़ा दी गई, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, 5% जो है कुशनिंग बढ़ाई है, 16% एरिया बढ़ा है, स्प्लिट सीट हटा दी है। और अगर आप लोगों के डाउट्स आ रहे थे मेरे पास में कि लेडीज़ इसके ऊपर आराम से बैठ सकती है या नहीं बैठ सकती, तो ऑफ कोर्स इस गाड़ी के ऊपर अभी मेरे सामने एक गाड़ी की डिलीवरी हुई और उन्होंने जिन्होंने डिलीवरी ली अंकल ने, उनके पीछे उनकी वाइफ बैठी थी और वो बड़े आराम से बैठी। मैंने उनसे पूछा भी कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ साफ साफ बोलिए, नई गाड़ी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तारीफ ही करनी है। तो वो काफ़ी अच्छे से उसके ऊपर बैठे थे। तो अगर आपको मम्मा के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी दीदी के लिए अगर गाड़ी लेनी है, मतलब आपको भी राइड करवानी है उनको, तो आप ऑफ कोर्स अच्छे से करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और भी अगर इस गाड़ी से रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, नीचे सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई होगी। तो ये थी 2019 यामा FZSFI। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कार्स, बाइक, स्कूटर के ऐसे न्यूज रिव्यूज कंपैरिजन वाली वीडियो मैं रोज अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कल तक की वीडियो के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, हैव अ नाइस डे, और हाँ फ्रेंड्स, ड्राइव सेफ।